हाथरस एक ऐसी घटना जिसपे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, और जो हुआ था वो बहुत दर्दनीय है। उस पर बात करना मुझे लगता है ना, उस दर्द को दोबारा से कुरेदना होगा। जी जी, मैं आज हाथरस आया हूँ क्योंकि हाथरस के बारे में कुछ छपा था। एक साल से ज्यादा समय बीत गया, न्याय नहीं मिला। उससे बुरा जो मुझे यहाँ के पता लगा, ये पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तमाम जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे हैं सीआरपीएफ के, वो भी लोग परेशान हैं, परिवार परेशान है। और जो मैंने रास्ता देखा ना, परसों मेरे खबर के बाद के आ रहा हूँ, मिट्टी विट्टी डाली है, मतलब चीजों को थोड़ा सा बनाने का काम कर रहे हैं, बाकी मदद नहीं कर रहे हैं। उससे भी बुरी बात, सरकारी नौकरी कहा था दी नहीं है, आवास कहा था दिया नहीं है। परिवार के लोग रोज धमकी मिलती रहती, कोर्ट में धमकी मिलती रहती। आज हमने तय किया कि चंद्रशेखर आजाद खुद यहाँ, मैं हिमांशु वाल्मीकि जी, हम यहाँ रुकेंगे। संगीनों के साय में, डर के साय में, जिस तरह हमारा परिवार रह रहा, एक जीवन, एक दिन का जीवन हम जिएंगे। कल सुबह 10:30 बजे डीएम साहब से वहीं कार्यालय पूछेंगे जाके कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला कि ये जुमला था नौकरी रोजगार वो नहीं दे रहे हैं आवास, या फिर आप नहीं देना चाहते, कमी कहाँ है। कल उनसे पूछेंगे, वो आज बाहर हैं कह रहे हैं। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वो सब लोग यहाँ से चले जाएं, और सुबह 10:30 बजे हम लोग कोई भी मुआवजा नहीं मिला। और हाँ, अपने लोगों की सुरक्षा कर रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री संदेश दे रहा हूँ कि दलित कीड़े मकोड़े नहीं। एक साल का समय दिया था, आपने कुछ नहीं किया। आप तो उन वादों पे भी खरे नहीं उतरे जो आपने कहा था। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा तो है, नए लोगों को अवसर मिला। लेकिन आज हम पंजाब में नहीं ना, आज हाथरस पे बात कर रहे हैं। आजाद जी, तमाम विपक्षी, यानी सरकार ने सिर्फ दिखावा किया है, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था या कुछ भी, जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिली है, मेरे आसपास भी दिख रहे हैं आप। लेकिन जो वादे किए थे ना, वो जीरो। और आपने खुद पढ़ा होगा कि जो वकील है वो भी डरी हुई थी, परिवार के सामने उसको धमकी दी गई। आप समझिए क्या माहौल है। इस माहौल से अपने परिवार की सुरक्षा करना चंद्रशेखर आजाद की का काम है, और वो तो इसीलिए आप यहाँ रुकेंगे और कल मैं रुकूंगा। धरना मैंने परमिशन क्या मांग रहेंगे आपकी यहाँ रुकने पे? आज मैंने बता दिया, वो ये कबाड़ा कूड़ा हटेगा यहाँ से, रोड बनेगी, आवास देना पड़ेगा। और सरकार ऐसा नहीं, जैसे एक और साथी के साथ पुलिस की घटना में उनकी जान चली गई थी, उनको जैसे नोएडा में नौकरी दी, ऐसे नोएडा में नौकरी देनी पड़ेगी और नोएडा में आवास देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा हाथरस में। हाथरस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जो लोग हाथरस कोर्ट में जाकर धमका रहे वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नहीं चलेगा। झूठ बंद, सच की लड़ाई शुरू। दलितों की असली ताकत जो है ना, वो हम एहसास कराएंगे। कल जो कूड़ा हमारे मुंह पे फेंका गया ना, ये मैं मुख्यमंत्री के ऊपर भी वहीं जो है ना उनके ऑफिस में जाकर उनको भेंट करके आऊंगा। आपके और आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर कूड़ा फेंका गया? नहीं, ये जो ये मेरे परिवार के मुंह पे फेंका हुआ ना, ये जो रखा हुआ है। और डीएमआर साहब को भी कल ये कूड़ा भेंट करूंगा, एक थैली भर कर जाऊंगा, उनको भी दूंगा। क्या हम लोग जानवर हैं जो हमारे साथ सलूक हो रहा है? नहीं, धरना भी देंगे क्या आप? कल की बात कल देखेंगे। धन्यवाद। आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता रोड, गाड़ी, सब चीजें हटाएं, आराम से घर लौटे। सुबह 10:30 बजे हम लोग डीएम कार्यालय में उनसे मिलेंगे। तमाम दल आज परिवार को क्यों भूल चुके हैं आजाद जी? तमाम दल आजाद जी परिवार को क्यों भूल चुके हैं? तमाम दल वोट मंगाने में लगे हैं आप? हाँ, मैं तमाम दलों के लिए नहीं कह सकता हूँ। हमारी तरफ से हिमांशु वाल्मीकि जी परिवार के साथ जुड़े हुए थे। आपने अलीगढ़ में और हाथरस में तमाम दलित परिवार का दौरे किए, क्या रहा अलीगढ़ में भी आपने पहुंचे थे? आप अलीगढ़ में कल अगर डीएम साहब सही टाइम पे जवाब देंगे और उन्होंने मदद की तो फिर अलीगढ़ बैठेंगे। हुआ क्या ना, बेसिकली न्याय जनसिद्ध अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सरकार मिलकर न्याय को बाधित क्यों कर रही है? नहीं चलेगा। अगर ये जो कबाड़ कूड़ा यहाँ, इससे गंदगी फैलेगी, गंदगी से बीमारियां बनेगी, कोरोना और तमाम तरह से। अभी देखिए फिरोजाबाद में कितने बच्चे मर चुके हैं, एक डेंगू पे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग, हमारे परिवार को यहाँ क्यों रखा, मरने के लिए? सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो किसी पर भी खरी नहीं उतरी, और कोई भी मुआवजा या किसी को कुछ नहीं मिला। ये आपकी प्रमुख मांगों में से आपके सामने है। मुख्यमंत्री याद रखें, कल आपसे बात होगी। तो आपकी शिकायत सरकार से या प्रशासन से? नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।